तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग अब आ जाएंगे एनर्जी मैनेजमेंट में एनर्जी मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशंस बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं और एनर्जी मैनेजमेंट ऐसा सेक्टर है जहां हम लोग जो हम लोग एनर्जी जिन टाइप्स ऑफ एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं उसके कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ मैनेजमेंट है जिससे हम कवर करते हैं और डेफ़िनेटली आप सबको पता है कि अलग अलग तरह की एनर्जीज़ को हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं अपने लाइफ को कहीं ना कहीं आसान बनाने के लिए टाइम को सेव करने के लिए और अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए तो इसमें इन एनर्जीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आज आप लोगों ने सब ने ये देख रखा है सबको ये पता है कि किस हद तक हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूटिलाइजेशन पर डिपेंडेंट हैं हम लोग देख सकते हैं कि आज हर तरफ़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर हम लोग डिपेंडेंट हैं आज चाहे आपका म्यूनसपल वा वाटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से वाटर सप्लाई आपको मिल रहा हो वहाँ भी जो पंप्स चलते हैं इलेक्ट्रिकल के होते हैं ट्रांसपोर्टेशन uh, जो है ऑलमोस्ट uh, सारे रेलवे सेक्शंस को हमने इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है आपका जो कोर बैंकिंग सिस्टम है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस पे ही चलता है जो सारे इंटरनेट कनेक्टिविटी है सारे हमारे मोबाइल्स नेटवर्क्स हमारे टीवी ट्रांसमिशन हमारे रेडियो ट्रांसमिशन सबको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं आपके लैपटॉप्स हैं आपके कंप्यूटर्स हैं हाउस होल्ड अपलाइंस है रेफ्रिजरेटर्स है एयर कंडीशनर्स है वॉशिंग मशीनस है आपका टी है सब कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बहुत हद तक हम लोग डिपेंडेंट हैं और आज हम लोग इस युग में हैं इस एरा में हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना इस वर्ल्ड की कल्पना भी नहीं की जा सकती है यही रीज़न है कि हम लोग पहले इकोनॉमी में किसी कंट्री का अगर ग्रोथ देखते थे तो हम लोग किसी कंट्री के ग्रोथ को कैसे पता करते थे तो हम लोग देखते थे उस कंट्री का जीडीपी कितना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है लेकिन नाउ अडेज़ हम लोग हम लोगों ने किसी कंट्री का ग्रोथ देखने का पैरामीटर बिल्कुल बदल दिया है अब किसी कंट्री का ग्रोथ देखना हो तो हम लोग देखते हैं पर कैपिटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन जिस कंट्री का पर कैपिटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा डेफिनेटली वो कंट्री उस उस कंट्री का ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होगा वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड होगी तो इस हद तक हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर डिपेंडेंट हैं तो होता क्या है हमारे एनर्जी मैनेजमेंट का डेफिनेटली एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेन कंपोनेंट uh, है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैनेजमेंट तो हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एनर्जी मैनेजमेंट के सेक्टर में तो इसमें क्या है एनर्जी मैनेजमेंट इन इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर द पावर ग्रिड्स विथ एप्लीकेशन ऑफ आई आर बींग कन्वर्टेड इन स्मार्ट ग्रिड्स अब है क्या कि ग्रिड का एक कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है यहाँ है क्या कि हम सप्लाई कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को मेंटेन करने के लिए और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो डिमांड है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए उसके बीच के गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग सारे जनरेटिंग स्टेशनस को चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन हो चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो चाहे न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो टाइडल पावर स्टेशन हो विंड एनर्जी पावर स्टेशन हो हाइडल पावर स्टेशन हो सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटिंग स्टेशनस को हम लोग सारे सारे लोड सेंटर्स से हम लोग जोड़ देते हैं कनेक्ट कर देते हैं ग्रिड का मतलब होता है एक ग्रैटिंग्स एक फ्रेम एक जाल एक नेटवर्क तो हम लोग क्या करते हैं सारे लोड सेंटर्स को अब लोड सेंटर्स क्या है तो जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग हो रहा है यूटिलाइजेशन हो रहा है वो सारे लोड सेंटर्स हैं जैसे हमारा घर है हमारे कॉलोनीज में जितने घर हैं हमारे सिटी में जितने घर हैं वहाँ क्या है डोमेस्टिक लोड्स है सबके घर में हाउस होल्ड अपलाइंसेस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर चलते हैं उसी तरह जो कमर्शियल सेक्टर्स है जो मार्केट्स है जो कॉम्प्लेक्सेस है जो शॉप्स है जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हैं वहाँ उनका यूटिलाइजेशन होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में मशीनस हैं इक्विपमेंट्स हैं डिवाइसेस uh, को जो हम लोग रन कराते हैं वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन uh, होता है तो ये सारे लोड सेंटर्स हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिमांड है तो हम लोग क्या करते हैं कनेक्टिविटी ऑफ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए और कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए हम लोग एक बेटर तरीका अपनाते हैं और हम लोग ग्रिड से यानी एक नेटवर्क से सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेटिंग स्टेशनस को और इस तरह से लोड सेंटर्स को अलग अलग सिटीज़ को विलेजेस को हम लोग एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये सिस्टम ग्रिड सिस्टम है तो अब क्या है आईओटी के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर में जो पावर ग्रिड्स हैं और ये जो ग्रिड सिस्टम है ना तो इंडिया में गवर्नमेंट की अथॉरिटी है दैट इज़ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो ये वर्क करती है जो आ, एक ग्रिड प्रोवाइड करती है और इस ग्रिड को हम लोग अलग अलग क्लासीफाई करते हैं एरिया के हिसाब से नदन ग्रिड सादर्न ग्रिड वेस्टर्न ग्रिड इस तरह से तो हमारे यहाँ ये काम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पी एस यू है दैट इज़ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उसके द्वारा होता है तो इससे हम लोग अलग अलग थर्मल पावर प्लांट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और जितने भी जनरेटिंग प्लांट्स एंड स्टेशन हैं उनको लोड सेंटर के साथ हम लोग एक साथ इंटरकनेक्ट करके रखते हैं सो so दैट की कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन रहे और एनर्जी का एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से हो सके जहाँ एनर्जी का डिमांड हो और जहाँ एनर्जी जनरेट हो रही है वहाँ से एनर्जी को हम एक्सचेंज कर सकें इन ग्रिड से इन नेटवर्क से तो है क्या कि जो पावर ग्रिड्स हैं ना हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से उन ग्रिड्स को स्मार्ट ग्रिड में बदल रहे हैं अब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना डिमांड है एक जनरेटिंग स्टेशन कितना जनरेट कर रहा है उस डिमांड को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं अगर नहीं फुलफिल कर पा रहा है तो किसी और जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर उस डिमांड वाले एरिया को हम भेज रहे हैं तो ये हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है ये रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन के साथ चलता रहता है तो डेफ़िनेटली यहाँ डेटा कलेक्शंस और उसका प्रोसेसिंग और कमांड एंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हो पाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बेहतरीन एप्लीकेशन यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं उस पावर ग्रिड्स को हम स्मार्ट ग्रिड में बदल रहे हैं अब क्या है कित, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिस्पैच किस जनरेटिंग स्टेशन से किस लोड सेंटर पे हुआ किस जनरेटिंग स्टेशन ने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया किस लोड सेंटर में कितना डिमांड है किस सिटीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना डिमांड है रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन के साथ ये सारा डेटा कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से हम लोग ये डेटा को सेंस करके कलेक्ट कर पाते हैं उसको प्रोसेस कर पाते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम कन्वे कर पाते हैं जहाँ चाहें और वहाँ जहाँ भी चाहें हम लोग इसको इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं एनर्जी के एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे इन पावर ग्रिड्स को स्मार्ट ग्रिड्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं अब क्या है द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड इज़ बींग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं इसमें क्या है द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड इज बींग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है द कंसेप्ट स्मार्ट ग्रिड इज बी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड और डेफिनेटली स्मार्ट ग्रिड का कंसेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर होता जा रहा है आगे हम लोग आ जाते हैं द बेसिक आइडिया बिहाइंड द स्मार्ट ग्रिड इज टू कलेक्ट डेटा इन ऑटोमेटेड फैशन एंड फर्दर प्रोसेस एंड एनालाइज द एनर्जी एक्सचेंज डिटेल्स सेंसिंग डिटेक्टिंग प्रोसेसिंग सेयरिंग द डेटा इन टू शेयरिंग द डेटा टू इम्प्रूव एफिसंसी एज वेल एज द इकोनॉमी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजेज इन वेरियस इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स अब है क्या कि बेसिक आइडिया क्या है एनर्जी मैनेजमेंट के सेक्टर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन यूज़ करने का बेसिक आइडिया क्या है स्मार्ट ग्रिड का बेसिक आइडिया क्या है तो बेसिक आइडिया स्मार्ट स्मार्ट ग्रिड के पीछे क्या है कि डेटा को हम कलेक्ट कर सकें और कैसे कलेक्ट कर सकें ऑटोमेटेड फैशन में ऑटोमेटिकली हम डेटा को कलेक्ट करा सकें यानी uh, किस जनरेटिंग स्टेशन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है कौन से लोड सेंटर से कौन से सिटी से कौन से इंडस्ट्रीज से कौन से कमर्शियल सेक्टर से कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिमांड आ रहा है लोड का फ्लो और एनर्जी का फ्लो लोड सॉरी लोड का डिमांड और एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है किस जनरेटिंग स्टेशन में अभी कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है तो किस दूसरे जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वहाँ भेज पा रहे हैं और उस डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं जहाँ लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वहाँ जहाँ सरप्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वहाँ से हम उसको भेज पा रहे हैं तो ये सारा डेटा ऑटोमेटेड फैशन में कलेक्ट हो ये आइडिया है स्मार्ट ग्रिड के पीछे और फर्दर डेफिनेटली उस डेटा को प्रोसेस करेंगे हम लोग एनालाइज़ करेंगे सो so दैट की यूजफुल रिजल्ट हम आ, हमें मिल सके आ, हमें पूरा व्यू मिल, मिल सके कि कहाँ क्या क्या क्या, क्या चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से फर्दर हम प्लान कर सकें एनर्जी मैनेजमेंट कर सकें तो ये चीज़ें हैं तो इसमें क्या है कि डेटा उस डेटा को प्रोसेस करेंगे फर्दर हम लोग एनालाइज करते हैं और आ, कैसा डेटा तो एनर्जी एक्सचेंज का डेटा है इसमें क्या है तो डेटा को हम लोग सेंस करते हैं डिटेक्ट करते हैं प्रोसेस करते हैं और शेयर करते हैं इससे क्या होगा डेफिनेटली अगर आपको सही तस्वीर मिल पाएगी कि कहाँ किन चीज़ों को हम कर रहे हैं एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो किस तरह से हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेस की इकोनॉमी है उसको और भी बेहतर बना सकते हैं और इस तरह से अलग अलग जगह इंडस्ट्रियल कमर्शियल और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस में हम लोग ऑफ ऑफ इंटरनेट थिंग्स को यूज करके एनर्जी मैनेजमेंट को प्रॉपर वे से कर सकते हैं स्मार्ट ग्रिड के कॉन्सेप्ट से तो ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन था इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इसको भी अगर हम लोग इमेज से देखने की कोशिश करें तो ये स्मार्ट ग्रिड का इमेज आपको दिख रहा होगा यहाँ कैसे हमने नेटवर्क कनेक्टिविटी से डेटा uh, कलेक्ट हम लोग कर रहे हैं इस विंड मिल्स का सोलर uh, पैनल्स का यहाँ पे uh, जो पावर प्लांट्स हैं पावर प्लांट्स में भी uh, हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के हेल्प से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से सारा डेटा को कलेक्ट कर पा रहे हैं प्रोसेस कर पा रहे हैं एनालाइज़ कर पा रहे हैं कमांड एंड कंट्रोल कर पा रहे हैं जहाँ चाहे वहाँ इस डेटा को हम भेज सकते हैं इस डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं इस डेटा के हेल्प से प्लानिंग को और बेटर बना सकते हैं और एनर्जी एक्सचेंज का सारा रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं तो इस तरह से स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है स्मार्ट ग्रिड के कंसेप्ट में आप लोग देख सकते हैं तो इस तरह से स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है स्मार्ट ग्रिड के ग्रिड के कॉन्सेप्ट में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से स्मार्ट मोबिलिटी है किस तरह से स्मार्टर एनर्जी है और एनर्जी का एक्सचेंज इस तरह से पॉसिबल हो पा रहा है स्मार्ट ग्रिड के हेल्प से जो एनर्जी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको स्मार्ट सिटीज में हम दे पा रहे हैं ग्रीन एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है ग्रीन एनर्जी जहाँ पॉल्यूशन फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है जैसे विंड मिल्स से सोलर पावर प्लांट्स से वो हम लोग कर पा रहे हैं और इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग सप्लाई दे पा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को दे पा रहे हैं और इस तरह से एक बेहतरीन एप्लीकेशन है स्मार्ट ग्रिड का और इस तरह से स्मार्ट ग्रिड को किस तरह से हमने कनेक्ट कर रखा है ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल रहा है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्टर में हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्टर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेहतरीन एप्लीकेशन है स्मार्ट हेल्थ केयर में स्मार्ट हेल्थ केयर में क्या है द कंसेप्ट ऑफ कनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम एंड स्मार्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बियर इनॉर्मस पोटेंशियल एंड स्कोप फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस फीचर्स इनेबल्ड बाई द एप्लीकेशन ऑफ आई ओ टी अब यहाँ क्या है स्मार्ट हेल्थ केयर अभी क्या है आप सबने देख रखा है और पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया था इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का एक वाइटल रोल है और ये पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है ना जहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है क्योंकि वहाँ क्या है जो इंस्ट्रूमेंटेशन है और ख़ासकर जो पेशेंट्स को कौन सा डिजीज़ है ये डॉक्टर्स को सही से पता चल सके इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्नोसिस के लिए हम लोग कहीं ना कहीं मॉडर्न इक्विपमेंट पे मॉडर्न डिवाइसेस पे हम लोग डिपेंडेंट हैं जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स की स्थिति को जानने के लिए पेशेंट्स पेशेंट की बीमारी को और उसकी परिस्थिति को जानने के लिए हम लोग अलग अलग टेस्ट कराते हैं जिसमें इंस्ट्रोमेंटेशन का और उन इक्विपमेंट का स्मार्ट इक्विपमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हम लोग एम कराते हैं हम लोग ई कराते हैं इलेक्ट्रोकॉडियोग्राफ कराते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनसी -E कराते हैं हम लोग सी टी कराते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक्स इमेजिंग uh, कराते हैं तो ये सारी चीज़ें इन डिवाइसेस को हम स्मार्ट बना के इस डेटा को हम फेच करें इस डेटा को गैदर करें इस डेटा को कलेक्ट करें सेंस करें उसको प्रोसेस करें उसको एनालाइज़ करें जहाँ चाहे उस डेटा को इंटरने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से इंटरनेट कनेक्टिविटी के हेल्प से हम सकें जहां से चाहे इस डेटा को हम मॉनिटर कर सकें प्रोसेस कर सकें तो एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है स्मार्ट हेल्थ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का और आगे अगर हम लोग देखें तो आगे क्या है इन स्मार्ट द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर अलॉन्ग विध बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इक्विपमेंट विच द पीपल विद वेरियस हेल्थ केयर डिवाइसेस अब है क्या इन स्मार्ट हेल्थ केयर में अब है क्या स्मार्ट हेल्थ केयर में डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से जो डिवाइसेस मेजर कर रहे हैं जैसे एम आर स्कैनिंग हो रही है सीटी स्कैनिंग हो रही है तो उनको हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो डेटा को उन, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उन डेटा को हम शेयर कर पा रहे हैं तो वेरियस हेल्थ केयर डिवाइसेज़ को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं और इससे क्या हो पा रहा है शेयर द डेटा एंड अलर्ट्स ट्रू द हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स फ्रेंड्स रिलेटिव टू प्रोवाइड अलर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड एंड मैनेज द हेल्थ केयर डेटा ऑफ़ द पीपल तो लोगों को इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से स्मार्ट हेल्थ केयर में हम जोड़ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब हो क्या रहा है कि डिवाइसेज से स्मार्ट डिवाइसेज से डेटा को हम कलेक्ट कर पा रहे हैं उस डेटा को प्रोसेस करके भेज पा रहे हैं पहले लेक्चर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पहले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था कि यूके uh, का एक जो सिटीजन था उसके एप्पल स्मार्ट वॉच में उसको अलर्ट मिल रहा था था कि उसका जो हार्ट बीट है ना वो बहुत स्लोअर रेट पे है कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन था उसको नोटिफिकेशन मिल रहा था और उसने जब प्रॉपर केयर किया और प्रॉपर अपना डायग्नोसिस कराया तो पता चला कि उसके हार्ट में ब्लॉकेज था और उस उस ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा था सीवियर ब्लॉकेज था जब उसने अपनी जांच कराई जब डॉक्टर्स के पास गया तो डॉक्टर्स ने उसको ऑपरेशन करने की सलाह दी उसे पेसमेकर लगा और कहीं ना कहीं आ, उसने अपने लाइफ को बचा लिया कैसे उसने बचाया तो समय पर उसे नोटिफिकेशन मिल पाया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से स्मार्ट वियरेबल से एप्पल स्मार्ट वॉच में वो फ़ीचर था तो उससे नोटिफिकेशन मिल पाया उसको डिस्प्ले में आ, चीज़ें दिख पाई जो उसके शरीर की गतिविधियाँ थी जो हार्ट बीट का हार्ट बीट का जो रेट था वो उसको प्रॉपरली मिल पाया टाइम पे तो वो उसके लिए लाइफ सेविंग हुआ तो इस तरह से क्या है कि स्मार्ट हेल्थ केयर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशनस है यहाँ डिवाइसेस अलग 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 स्मार्ट डिवाइसेस के हेल्प से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और डेटा को कलेक्ट करने के बाद अगर कुछ अलर्ट्स की ज़रूरत है या उस डेटा को शेयर करने की जरूरत है तो वो डेटा को हम ऑटो उन डेटा को ऑटोमेटिकली हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से हॉस्पिटल्स को भेज सकते हैं डॉक्टर्स को भेज सकते हैं फ्रेंड्स को भेज सकते हैं रिलेटिव्स को भेज सकते हैं जहाँ जब भी जरूरत हो हम अलर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो इस तरह से लोगों के हेल्थ केयर के डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं प्रोसेस कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से तो ये स्मार्ट हेल्थ केयर के सेक्टर में था इसमें भी अगर इमेज हम लोग देखें तो इस तरह से स्मार्ट हेल्थ केयर का ये इमेज है यहाँ आपको दिख सकता है किस तरह से इमेजिंग हो रही है एक्सरे इमेजिंग हो रही है यहाँ पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में डेटा एक्सचेंज हो पा रहा है इमेजिंग की वजह से किस तरह से पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट है यहाँ पे पेशेंट्स का रिकॉर्ड से लेके सारे डायग्नोसिस सारा प्रोसेसिंग डॉक्टर का जो भी रिकमेंडेशन रेक, है डॉक्टर का जो भी प्रस्क्रिप्शनस है जो मेडिसिन के अलर्ट हैं वो सारा मिल पा रहा है इस तरह से हॉस्पिटल्स को मॉडर्न हम लोग बना रहे हैं स्मार्ट हेल्थ केयर के फीचर्स में हम लोग देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ केयर के सेक्टर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से चीज़ों को हम और बेहतर बना पा रहे हैं तो ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन था स्मार्ट हेल्थ केयर के सेक्टर में नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब है नेक्स्ट है स्मार्ट पोल्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री डेफिनेटली जो पोल्ट्री है जो जो मुर्गी पालन वगैरह जो होता है जो पोल्ट्री के सेक्टर में जो सारी चीज़ें आती हैं उसके अलावा जो फार्मिंग है एनिमल्स से जुड़ा हुआ जिसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं पशुपालन जिसको हम लोग कहते हैं पशुपालन मत्स्य संसाधन तो इन ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारे फूड का एक बड़ा हिस्सा ये भी है और ब, इस फूड के बड़े बड़े हिस्से को कवर करने के लिए जाहिर है एक बहुत ब्रॉड सेक्टर है और इस ब्रॉड सेक्टर को कवर करने के लिए उन चीज़ों को भी स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन यहाँ भी हम लोग करते हैं और एप्लीकेशन क्या क्या करते हैं हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट इस में इसमें है लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाई यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ आई ओ टी हैज़ बिकम बिकम हैज़ बिकम कॉस्ट सेविंग एफिशियंट एंड इकोनॉमिकली बेटर दैन दोज़ वेज विच वे आर बींग प्रैक्टिस्ड एंड वे आर प्रिवेलिंग अर्लीयर अब है क्या कि लाइव स्टॉक मोनिटरिंग तो लाइव स्टॉक हम लोग कहते हैं लाइव स्टॉक हम लोग कहते हैं वो जानवर मवेशी को जिनका पशुपालन जिस पशुपालन में जिनको हम लोग रखते हैं और जिनके पशुपालन को लोग यूज़ करते हैं जैसे मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर्स वगैरह में कैटल्स को हम लोग रख रहे हैं काउज़ को रख रहे हैं बफेलोज को रख रहे हैं वो सबको हम लोग एक कॉमन नेम देते हैं लाइव स्टॉक तो लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग का जो फील्ड है एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में वहाँ क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से हम लोग कहीं ना कहीं उस पशुपालन को उस एनिमल हस्बेंड्री को स्मार्ट पोल्ट्री एंड फार्मिंग को कॉस्ट सेविंग बना रहे हैं आ, अपने कॉस्ट की बचत कर रहे हैं लागत की बचत कर रहे हैं एफिशिएंट बना रहे हैं इकोनॉमिकली बेटर बना रहे हैं उन पुराने तरीक़ों से जो अब तक होते आ रहे हैं बेटर देन दोज वेज़ विच वेयर बींग प्रैक्टिस एंड बींग प्रिंग अर्लीयर नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है द डेटा कलेक्टेड एंड गैदर्ड अबाउट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द कैटल कैन बी कैन फर्दर बी यूटिलाइज टू गेट अलाइड बेनिफिट्स इन द सेक्टर अब जो डेटा कलेक्ट हम लोग कर पा रहे हैं जो गैदर कर पा रहे हैं उसको हम लोग प्रोसेस करके इस हेल्थ केयर में और भी बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और बेहतर तरीके से एनिमल हस्बेंड्री को फार्मिंग को हम लोग कर सकते हैं जैसे जो भी पोल्ट्री फॉर्म्स हैं जैसे इस इमेज से क्लियर होगा आपको इस इमेज में आपको दिख रहा है कि जैसे ये मुर्गी पालन का ही व्यवसाय है जो स्मार्ट पोल्ट्री में आ रहा है यहाँ क्या है इन सारे कैटल्स uh, का इन सारे लाइफ स्टॉक का इन सारे फार्मिंग का और इन सारे पोल्ट्री का जो रिकॉर्ड है जो डेटा है यहाँ यूनिफाइड कंट्रोल से मिल पा रहा है इन सारे uh, जो भी लाइफ स्टॉक हैं इनका जो टेम्परेचर है जिस इन्वायरमेंट में इनको रखा गया है जो मॉइस्चर लेवल है वो ऑटोमेटिक सेंसर्स डिटेक्ट कर रहे हैं और डेटा को सेंड कर रहे हैं जिससे इनको अनुकूल वातावरण में रखा जा सके इनका अनुकूल वातावरण में रखने से फ़ायदा क्या होगा इनका ग्रोथ और भी प्रॉपर तरीके से होगा और भी प्रॉपर तरीके से इनका ग्रोथ होगा इनमें बीमारियाँ नहीं होंगी इन कैटल्स में इन पोल्ट्रीज में इन इन पशुओं में इन मवेशियों में इन पक्षियों में बीमारियां नहीं होंगी तो ये सेक्टर और भी एफिशिएंट होगा लॉसेस कम होंगे और और बेहतर बन पाएगा हेल्थ इनका इन कैटल्स का सही रहेगा तो अनुकूल माहौल में इनको और बेहतर तरीके से पाला जा सकता है इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाया जा सकता है इकोनॉमिकली बेहतर होगा इकोनॉमिकली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें तो ये सारी चीज़ें यहाँ जैसे ये यह काऊ है जो भी लाइफ स्टॉक का सेक्टर है यहाँ इसका इसमें जो सेंसर्स से इसके पास लगे हैं उससे इसका टेम्परेचर इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर मॉइस्चर लेवल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो पता चलता रहता है कोई बीमारियां हैं तो भी सही समय पर डिटेक्ट हो सकती हैं तो इस तरह से कहीं ना कहीं पोल्ट्री सेक्टर को और बेहतर बनाया जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से यहाँ जो कैटल्स से रिलेटेड डेटा है इन्वामेंट से रिलेटेड डेट डेटा है इनके हेल्थ इशूज से रिलेटेड डेटा है वो डेटा को हम लोग सेंस कर सकते हैं करते हैं और कलेक्ट करके फर्दर प्रोसेस करते हैं यूनिफाइड कंट्रोल्स करते हैं इस सेक्टर को कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से और भी बेहतर बनाया जा रहा है तो ये एप्लीकेशन था स्मार्ट पोल्ट्री फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डिफेंस सेक्टर अब डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है कि किसी भी कंट्री के लिए डिफेंस सेक्टर उसके जो आर्म फोर्सेस हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है और डेफ़िनेटली हम सारे आर्म्ड फोर्सेस को पारामिलिट्री फोर्सेस को मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं उनके इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं जो उनके वेपन्स हैं जो हथियार हैं वारफेयर मीन्स हैं जो उनके व्हीकल्स हैं उनको और भी बेहतर उनको और भी मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशंस तो आएगा ही आएगा तो यहाँ क्या है डिफेंस सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं द एलिकेशन्स ऑफ आई ओ टी हैज़ इनेबल्ड द डिफेंस सेक्टर टू गैदर शेयर एक्सचेंज डेटा एज वेल एज हैविंग द कमांड एंड कंट्रोल ओवर वेरियस इक्वमेंट अब डेफिनेटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से हम लोग डिफेंस सेक्टर में डेटा को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को हम सेंस कर सकते हैं कलेक्ट कर सकते हैं गैदर कर सकते हैं उस डेटा को हम शेयर और एक्सचेंज कर सकते हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट ऑफ इंटरनेट की कनेक्टिविटी के हेल्प से हम कमांड और कंट्रोल दे सकते हैं जहाँ चाहें वहाँ से हम इक्विपमेंट्स को कमांड एंड इक्विपमेंट्स का कमांड और कंट्रोल कर सकते हैं हम वेपन्स का कमांड एंड कंट्रोल कर सकते हैं हम वारफेयर के तरीक़ों को स्मार्ट बना सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो टाइम पे मिले चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकें कंट्रोल सिस्टम का यूनिफिकेशन हम कर सकें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइस के साथ तो हम कहीं ना कहीं अपने डिफेंस सेक्टर को और भी बेहतर और भी एफिशिएंट बना सकते हैं और भी इम्प्रूवड बना सकते हैं तो डेटा को हम एक्सचेंज कर सकें ओवर ओवर वेरियस इक्विपमेंट्स वीपन्स व्हीकल्स मूवमेंट ट्रैकिंग एज वेल एज़ ऑपरेटिंग इनॉर्मस वारफेयर मशीन्स यूजिंग द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो है सेक्टर उसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसिस के साथ कनेक्ट करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन के हेल्प से हम क्या करते हैं डेटा को और कमांड एक्सचेंज करते हैं डेटा को शेयर करते हैं प्रोसेस करते हैं कमांड एंड कंट्रोल करते हैं कहाँ कहाँ तो इक्विपमेंट्स को वेपन्स को हथियार पे, व्हीकल्स जो हैं वारफेयर से जुड़े हुए जो व्हीकल्स हैं मिलिट्री मूवमेंट से जुड़े हुए जो व्हीकल्स हैं उनके उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रैक करने के लिए उनका मूवमेंट ट्रैकिंग के लिए उनको ऑपरेट कराने के लिए अलग अलग जो वॉरफेयर मशीन्स हैं जैसे टैंक्स हैं और मिलिट्री व्हीकल्स हैं मिसाइल्स हैं गाइडेड मिसाइल्स हैं आपके फाइटर प्लेन्स हैं सबका डेटा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम से यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन से इंटीग्रेटेड होकर और भी बेहतर तरीके से हम डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं डिफेंस सेक्टर में जैसे एग्जांपल्स में अगर हम लोग लेके चलें तो कंट्रोल सिस्टम का एक बेहतरीन एप्लीकेशन है गाइडेड मिसाइल सिस्टम में यहाँ क्या होता है मिसाइल्स को जैसे आ, कोई एनिमी कंट्री का फ़ाइटर प्लेन आ रहा है और हम इधर से इंटरसेप्टर सेप्टर मिसाइल से हम उसको रोकना चाहते हैं रास्ते में ही हवा में ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हम लोग गाइडेड मिसाइल्स छोड़ते हैं गाइडेड मिसाइल्स भी कई तरह का है गाइडेड मिसाइल लेज़र गाइडेड मिसाइल है तो लेज़र के बीम से वो अपना पाथ ट्रैक करता हुआ जाके उस फाइटर प्लेन को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा कहीं कहीं क्या होता है कि हीट सेंसिंग सिस्टम रहता है 哎。Okay. जहाँ फ़ाइटर प्लेन का जो कम्बशन हो फाइटर प्लेन के अंदर जो फ्यूल का कम्बशन हो रहा है उसका जो इंजन चल रहा है इंजन के हीट को सेंस करके अपने पाथ को बदलता हुआ मिसाइल जाके उसको डिस्ट्रॉय कर ही देगा मतलब फ़ाइटर प्लेन अगर डॉज देना चाहे फाइटर प्लेन अगर अपने ट्राजेक्ट्री को चेंज करके अपने पाथ को चेंज करके डायरेक्शन को चेंज करके स्पीड को चेंज करके एल्टीट्यूड को चेंज करके कहीं ना कहीं चाहे कि हम मिसाइल से बच जाएँ तो मिसाइल भी उसके हीट को सेंस करके अपने डायरेक्शन को बदल के ट्रैक करके फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के मैकेनिज्म से उसको हिट कर ही देगा उसको डिस्ट्रॉय उस फाइटर प्लेन को डिस्ट्रॉय कर ही देगा ये पॉसिबल हो पाया कंट्रोल सिस्टम के एप्लीकेशन से और कंट्रोल सिस्टम के एप्लीकेशन को और बेहतर हम लोग कर सकते हैं कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन को यूज़ करके स्मार्ट डिवाइसिस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके तो डिफेंस सेक्टर को कहीं ना कहीं और मजबूत बनाता है इमेज से और क्लियर होगा इमेज में देखिए आपको दिख भी रहा होगा गाइडेड मिसाइल्स है लेज़र गाइडेड मिसाइल्स है इस तरह से सिप से लेजर गाइडेड मिसाइल को छोड़ा जा रहा है और किस तरह से प्लेन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यहाँ भी क्या है इंफ्रा गाइडेड मिसाइल जो मैंने आपको कहा था हीट सेंसिंग का तो ये इंफ्रा गाइडेड मिसाइल है इस एनिमी के फाइटर प्लेन की तरफ उसको इंटरसेप्ट करने के डिस्ट्रॉय करने के लिए छोड़ा गया अब वो फाइटर प्लेन अपना पाथ बदलेगा भी एल्टीट्यूड बदलेगा भी डायरेक्शन बदलेगा भी स्पीड बदलेगा भी इसको चकमा देने की कोशिश करेगा डॉज देने की कोशिश करेगा तो भी ये मिसाइल इसका पीछा करता हुआ क्योंकि ये इसके हीट को सेंस कर रहा है इंफ्रा गाइडेड मिसाइल है वो जाके इसका पीछा करता हुआ इसको इसको हिट कर देगा इसको डिस्ट्रॉय कर ही देगा तो ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन है कंट्रोल सिस्टम का और उसका यूनिफिकेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आ, हेल्प से हम लोग जो कर पा रहे हैं वो आई का एक बेहतरीन एप्लीकेशन है टैंक्स हैं आ, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे मिलेंगे सिप्स हैं वारफेयर डिवाइसेस ऐसे बहुत सारे हैं वीपॉन्स हैं इक्विपमेंट्स हैं जो जहां हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन करके इस सेक्टर को और भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और भी बेहतर बना पा रहे हैं डिफेंस सेक्टर को कहीं ना कहीं हम और भी बेहतर बना पा रहे हैं इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के एप्लीकेशन से तो ये आ, डिफेंस सेक्टर था